कहते बेइज्जती करती है। छोकरे हट जा यहां से, हट जा, हट। नहीं कोई बीच में नहीं आएगा। कश्यप चलो यहां से, कत्या का आदमी बहुत डेंजरस है। कर आ रहे हो और आप हंस रहे हो। भाई हंसू नहीं तो क्या करूं? अब जरा सोचो, भरी बाजार में एक अकेला आदमी हमारे 10-10 आदमी को मार रहा है, क्या नजारा होगा? बड़ा अच्छा नजारा होगा जीजाजी, काश हम सब भी देख पाते। चुबे, तेरी पतलून उतार कर सरे बाजार नंगा दौड़ाऊंगा, फिर सब तेरा नजारा देखेंगे। चिकन दे चिकन, टंगड़ी दे टंगड़ी। हाँ बोल, तेरे साथ क्या किया जाए, बोल बोल। दादा एक मौका और दे दीजिए, दादा मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हमारे लिए जान भी दे देगा, चलो हम तुम्हारी जान ले लेते हैं। जो इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। काशी 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 चल 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 मेरे साथ। अरे छोड़ी चला, चल चल मेरे साथ जल्दी चल। क्या हुआ? हुआ शीला, किसी से झगड़ा हुआ क्या? अरे मतलब क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी, चल चल। अरे मैं बाबूजी बाद में बताऊंगा, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। हां मगर शिवा क्या हो रहा है, किधर लेके जा रहे हो काशी को? बाबूजी जिन लोगों पर तुमने हाथ उठाया है ना, वो कात्या के आदमी है, कात्या के। बीच बाजार में काट देता है वो आदमी। ये तुम्हारे बनारस का चौक नहीं है। हाँ जानता हूँ ना, मर्दों का शहर है ये। बीच बाजार में एक औरत को घसीटा जाता है, मारा जाता है, बस खड़े होकर तमाशा देखो। जो मदद करे वो गधा बेवकूफ। तो कौन सा तीर मारा तुमने, क्या किया तुमने है? आज तुम बीच में पड़ गए, लेकिन कल वो उसे दोबारा मारेंगे तो फिर मारूंगा मैं, फिर मारूंगा उन्हें।
अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो मैं फिर मारूंगा उन्हें। मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ, नहीं देख सकता। काशी, अगर बाजार में भाभी का कोई हाथ पकड़ ले तब भी आप मुझसे यही कहेंगे? मुन्ना चाहिए ना तो काशी को ले और मुन्ना को ले जाओ, वरना इस पिल्ले का कीमा बना डालेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार देंगे ना मुझे। मार जाऊंगा लेकिन बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। भैया आप नहीं जानते कि डॉक्टर साहब ने कहा है बाबूजी को गले का क्या? वो कोई सगा लगता है बाबूजी का क्या? मैं बेटा हूं उनका, मैं, मुझे भी चिंता है उनकी। काशी देख, तू समझने की कोशिश कर, तेरे यहां रहने से हम सबको खतरा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तू पिताजी की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उन्हें। तू ऐसा कर, तू ये पैसे रख ले, यहां से सुबह सुबह ट्रेन जाती है, तू उसी में चला जा, तेरा यहां रहना ठीक नहीं है। मैं चलता हूं। ये जानते हुए भी कि काशी की जान को खतरा है, तू उसे वहां अकेला छोड़ाया इस अजनबी शहर में? तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या, बुजदिल कहीं का? अरे वो तेरा सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ, भाई से भी बढ़कर है वो, तुझ पर जान छिड़कता है, तुझसे अच्छा तो वो है। जब तू यहां चला आया था ना कुछ बनने के लिए, तब उसने देखा था मुझे वहां, एक बेटे के सारे फर्ज निभाए थे उसने। खरा सोना है मेरा बेटा काशी, खरा सोना। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा अपने काशी के पास, वही जाके दम तोड़ूंगा। चार आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे, सुन ले, अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। अरे बुत बनकर कब तक बैठा रहेगा, मुन्ना को कौन लेकर आएगा? वो लोग कह गए हैं कि मुन्ना को ले जाने के लिए पहले काशी को लेकर आओ। तेरा भाई काशी तो यहां है नहीं, तो मुन्ना कैसे आएगा? अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो? भोलेनाथ, भोलेनाथ तेरी हमेशा कृपा रही है हम पर। बिट्टो, कातिया कहाँ है? अरे काशी, बात क्या है इतनी रात को? कातिया? हाँ कातिया चाहिए, चलो कातिया के पास। अरे लेकिन हुआ क्या? मुन्ना को लेके, पिंटो मुन्ना को, उन्हें काशी चाहिए, काशी मिलेगा, चलो कातिया के पास। अरे मगर कातिया, अरे चीट डालूंगा, फाट डालूंगा कातिया को, अगर मुन्ना को खरोच भी आया तो। नहीं नहीं काशी, तुम सबर करो, मुन्ना को कुछ नहीं होगा, गॉड उसको देखेगा, और कातिया को ऐसे कोई जाकर नहीं मिल सकता, उसका भाई लोग का भी पता नहीं रहता है। हाँ तू कल शाम को अंत्या को मिल सकता है, रोज शाम को गल्ला लेने के लिए सिटी लाइट क्लब पे आता है। काशी यही मिलेगा वो? हाँ अंत्या मिलेगा ना? तू फिक्र मत कर, वो रोज आता है इधर, दो आदमी चल। इस जगह पर नहीं जाना तू, हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है और खाने का अलग होता है। अंदर चल, कुछ और ही जलवा है, उधर देखेगा तू। मुझे जाने तो चंद्रू, वो चला जाएगा। अरे बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, मगर होता क्या है, कुछ नहीं। ए क्या हुआ? कुछ नहीं। तू उसे जानता है क्या? कहीं ये वो गौरी तो नहीं? नहीं। ये लो भाई आज का कलेक्शन। इतना कम? काशी अंत्या, ये धंधा इतना कम हो रहा है या कोई चोरी कर रहा है? ऐसा कर, तू जाके चंदू को दे। हाँ भाई। ये माल अंदर कर। अगर तू ऐसा करेगी गौरी तो कैसा चलेगा, क्लब वाले तो निकाल देंगे ना, और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तेरी दीदी का इलाज कैसे कराऊंगा, क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत से टेस्ट करवाने बाकी हैं, अब तू ही बता। घोड़ी जब लंगड़ी हो जाए तो उसे गोली मार देते हैं, इंसान का क्या करें, कुछ नहीं। अपने बीवी के बारे में इस तरह बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ नहीं। ठीक है, बच्चा मिलेगा, मिलेगा,
लेकिन इसके लिए तुम्हें अकरम खान पख्तूनी से लड़ना पड़ेगा। मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूं।